एक्सक्यूज मी, या आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? एक्चुअली यहाँ एक व्हाइट ड्रेस पहनी लड़की ऑटो का इंतजार कर रही थी, आई डोंट नो कहाँ चली गई। अरे वो तो उससे क्यों ढूंढ रहे हो तुम? यू नो क्या आप जानती हैं उसे? हाँ जानती तो हूँ, मेरी बचपन की दोस्त है। तो फिर मैडम प्लीज उसका एड्रेस दीजिए ना, आप जल्दी से बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। हेलो पहले ये बताओ तुम्हें उससे क्या काम है? एक्चुअली वो और मैं क्लोज फ्रेंड्स हैं। अच्छा या इतने क्लोज होने के बावजूद उसका एड्रेस नहीं पता? वो काफी लंबी स्टोरी है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सुनाओ। कई साल पहले मैं उस लड़की से डीपली प्यार, आई मीन लव करता था। लेकिन प्यार का दुश्मन उसका बाप बहुत घटिया निकला। घटिया? वो मेरे दिल की धड़कन चुरा ले गया किसी ऐसी जगह जिसका मैं पता भी नहीं जानता। प्लीज रानी का एड्रेस दीजिए। तुम उसे प्यार से रानी बुलाते हो? क्योंकि वो मेरे दिल की रानी है ना। वैसे आप उसे किस नाम से बुलाती हैं? ओह झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, इंदु। इंदु कोई बात नहीं, ये नाम भी अच्छा है, मैं भी उसे यही बुलाऊंगा। अच्छा मैडम अब उसका एड्रेस मिल जाता। क्या उसका घर ही दिखा देती हूँ। हेलो ऑटो नहीं बुलाओगे क्या? सॉरी सॉरी ऑटो क्या, मैं प्लेन लेके आता हूँ। लड़की पटाने का अच्छा तरीका है, पहले ड्रेस फिर एड्रेस। देखते हैं ये रोड साइड रोमियो किस हद तक जाता है। प्लीज कम, लेट्स गो। थैंक यू। चलिए भैया जहाँ मैडम बोले ले चलिए। अबे शिव भाड़ा, अबे कितनी बार कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। 30 रुपए के भाड़े के लिए तुझे चेन दूँ? फूटी किस्मत। बस बस यहाँ रुको। अच्छा पहुँच गए क्या? रुको रुको भैया, इंदु यहीं रहती है ना? इंदु, इंदु डार्लिंग, बड़ी जल्दी है उसे मिलने की। किसी के प्यार में पढ़ के देखिए मैडम, पता ऑटो का भाड़ा कौन देगा? 30 रुपया हुआ या छुट्टा नहीं है सर, टिप समझ के रख लो। अरे रुकिए रुकिए मैडम, एड्रेस तो आपने बताया ही नहीं। सीधे जाके लेफ्ट लेना, फिर राइट साइड पर चौथा घर। यस क्या चेहरे? अंकल आप जरा अपनी बेटी को बुलाइए ना। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी वाइफ है। तुझसे एक साल ही बड़ा हूँ मैं, सिर्फ बाल ही चले गए हैं मेरे। नहीं नहीं वो खाली पॉकेट बेल क्यों बजाया? आपकी बीवी नहीं, आपकी बेटी इंदु से मिलना था। मेरी बीवी को मेरी बेटी बोलता है? है क्यों भाई, प्यार का चक्कर है क्या? बचपन से तो तू मेरा दामाद बनने आया है। सही समझ लिया। अरे तू तो मेरी बेटी से भी ज्यादा शर्माता है। ससुर जी उसने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम इतने हैंडसम हो। एक्चुअली उसने मुझसे कमिट नहीं किया ना, कमिट करेगी तो बता देगी। उसने कमिट नहीं किया पर तुमने कमिट कर लिया। अपने कमिटमेंट के लिए मुझे कमिट करवाना है कि मैं तुम्हारे कमिटमेंट में फंस जाऊं। हैं मारते क्यों? क्यों रे, अभी तक मैंने एंजॉय नहीं किया, बच्चे की प्लानिंग चल रही है हमारी। एक भी नहीं है तो उसने यहाँ क्यों भेजा? हेलो वो लड़की मेरी बीवी है, आज लाइन मारोगे, कल लव लेटर दोगे, परसों भगा ले जाओगे और गोवा ले जाकर पैर भारी करके छोड़ दोगे, और यहाँ बैठ के मैं क्या भजन करूंगा? चल निकल यहाँ से। अंकल भड़कते क्यों? भड़कू नहीं, लुंगी संभालने का होश नहीं है और तुझे लड़की चाहिए। क्या पता अंकल कहीं छुपा के रखी होगी, आपकी फर्स्ट वाइफ की बेटी होगी। क्या बकवास कर रहा है, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। उसे सेकंड सेटअप, क्या विचार थे लड़के की, मूड फ्रेश कर दिया। तो फ्रेश होना है तुम्हें, मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? कितने दिन से तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है? मेरा सोना बच्चा, अपनी डार्लिंग पे शक कर रही हो? अरे वो कल का बच्चा कुछ भी बोलेगा तुम। अब सिर्फ मैं बोलूंगी, उस लड़के को पागल कुत्ते ने काटा था जो आके फालतू में तुम्हारी दूसरी बीवी से बात करेगा। नो साउंड। ठीक है बोला ना, नो साउंड। कहाँ रहती है वो चुड़ैल? आहा भगवान की कसम खा रहा है। वैसे कौन से भगवान की कसम खा रहा है तू? कृष्णा मतलब तू तो पक्का बिगड़ने वाला था। चुप कर, राम बनता है। ठीक है उस लड़के को बुला के ला और उससे कहलवा कि तेरा कोई भी अफेयर नहीं है, तब जाके तू बाप बनेगा, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, औरत के खिलाफ मारपीट का केस लगवाऊंगी, फिर कमर पर डंडे पड़वाऊंगी। क्या करूंगी मैं? जाओ जाओ ना।
करता है। क्यों मिल गई इंदु? मतलब आपने जानबूझकर गलत एड्रेस दिया? कितनी बड़ी झूठी है तू। झूठी कहा? तो क्या करती? तुम्हारा कैरेक्टर जाने बिना ही तुम्हें एड्रेस दे देती क्या? अगर उसका गला काटने की धमकी देते तो, ताकि वो तुमसे प्यार करे? अगर तुम उसका रेप करते तो? रेप? अगर उसका मर्डर कर देते तो? और अगर उसको जला देते तो? बस कर पगली, रुलाएगी क्या? शक्ल शरीफों वाली और बातें करती है काकी सावंत वाली। क्या कहा? क्यों मेरे टूटे हुए दिल पर नमक छिड़क रही है? रेप की बात कर रही है, मैंने उसे आज तक छुआ तक नहीं है। अब तक तो शक्ल भी नहीं पहचानी है, छुओगे कहाँ से? इस बदनसीब को और मत तड़पाओ, जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। बस मुझे एक बार मेरी इंदु से मिला दो। मिलाओगी ना? फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुमने तो कहा ना कि उसका बाप बहुत घटिया आदमी है, कहीं उसने तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दिए तो? मैं उसे तुम्हारे लिए लाने की कोशिश करूंगी। रॉक गार्डन रेस्टोरेंट में मिलवाती हूँ उससे। really? लेकिन बहुत बड़ी ट्रीट लूंगी। सुपर्ब। थैंक यू। यस। नहा दो के तैयार हो जाता हूँ। लोग लड़की देख के प्यार करते हैं, ये कपड़े देख के प्यार कर रहा है। कहीं कपड़ों का बिजनेस तो नहीं है इसका? अरे यार, एक लड़की के छूने से तेरी बॉडी में करंट लग गया तो क्या अब हर लड़की को चेक करेगा? मुंह खोला तूने? सॉरी। एक तो उसके नाम मिलने से परेशान हो रहा हूँ, ऊपर से तू पकाए जा रहा है। बस उससे एक बार मिलना है। जानना है कि उसके छूते ही मेरी दिल की घंटी क्यों बज गई? फिलहाल तो ऑटो की घंटी बज गई। ऑल द बेस्ट। ये पकाओ कहाँ से आ गया? मेरे लिए? नहीं कोई बात नहीं, जब तुम हमारे घर आए थे मैं ओवर रिएक्ट कर गया था क्या? बोला तो था। वैसे राउंड फिगर में मैंने कितनी गाली दी होगी? बहुत दी थी। ओह आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जब आदमी फ्रेश नहीं होता ना तो मूड खराब हो जाता है। एनीवे, इफ यू डोंट माइंड जरा और करीब आना। अब क्या गोद में बिठाएगा? मतलब की बात बोल। मेरा कुछ स्टैंडर्ड है कि नहीं? यार पूरा झुंड आ रहा है, इसमें से भाभी को कैसे पहचानोगे? तुम्हें तो जानता हूँ, तुमसे हाथ क्यों मिलाऊं? ये पकड़ो। हाय शिव। आई एम टीना। हाय। हाय आई एम सुनीता। हेलो। हाय। तुम इंदु को साथ नहीं लेकर आई? वो थोड़ी लेट आने वाली है। शे। क्या क्या कहा? मतलब हम सब बेकार हैं और वो महारानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे रुको, यहाँ आ जाओ प्लीज। अरे ये क्या, भुक्कड़ की तरह टूट पड़ी। लगता है श्रावण के पूरे महीने का उपवास आज ही तोड़ेंगी। कुप्चे में आना एक मिनट। क्या है? सुन यार, मुझे तो डाउट है, कोई इंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ये उसका नाम लेके चिकन तंदूरी चबा रही है। बिल तो तेरा ही फटेगा ना, फेस जितना भोला उतना ही आग का गोला। ये देख। क्या देखूं? इतना मुंह मत चलाया कर। इनको लगता है कि हम सब भिखारी हैं। चलो हमें नहीं खाना। वेट वेट वेट। भिखारी साला, क्या कर रहे हैं आप लोग? इंदु के फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स। शो सम रिस्पेक्ट, इनसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बैठिए ना। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? तेरी शक्ल से अच्छा तो जला हुआ मुर्गा होता है। अरे तंदूरी मुर्गा तो टेस्टी होता है, ये तो सड़ा हुआ अंडा और बासी आलू है। अबे बदकुआरिया, चल। बचपन के दोस्त को तो ऐसा बोलेगा? नो डाउट, ये लड़कियां उसे तंगड़ी कबाब समझकर चूस रही हैं। ये बात तो अंधे को भी समझ में आएगी, लेकिन इसे नहीं आ रही। ए चश्मिश, तुझे समझ में आ रहा है कुछ? मुझे साफ नजर आ रहा है। तो तू उसे समझाता क्यों नहीं? ऐसे गधों से ही तो धंधा चलता है। कब तक क्यों इंतजार करोगे उसका? कल फिल्म देखने के लिए ले आऊंगी, अभी घर चलते हैं। नहीं रहने दो, बाय चांस अगर इंदु आ गई और मैं नहीं मिला तो वो अपसेट हो जाएगी ना। तुम जाओ ना, मैं यहीं रुक जाता हूँ। वेरी क्लियर। इसे कैसे भी देखे, वो महल वो जायदाद सिर्फ आप ही की है। उसके पास सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसका अधिकार नहीं। चाहे जायदाद मेरी हो पर मैं वहां जा भी नहीं सकता। 15 सालों से मैं कोर्ट के सिर्फ चक्कर ही लगा रहा हूं। क्योंकि अब तक आप मुझसे नहीं मिले थे। मैं कल सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करता हूं।
15 दिनों के अंदर आप महल में होंगे। वकील प्रिय रंजन साला बहुत खतरनाक आदमी है। अगर वो यज्ञ सुप्रीम कोर्ट ले गया तो हम जरूर हार जाएंगे। ये महल हमारे हाथ से निकल जाएगा। खंबा गणी हुकुम, वो वकील को उठा लाए। इसे वकील के बारे में कैसे पता चला? सर, सर, आपको जाने बिना ही मैंने ये केस ले लिया। मैं छोड़ देता हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज सर। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बीवी बच्चे, मुझे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर, सर सर इनसे कह दीजिए मुझे मुझे छोड़ दे, इनसे छुड़वा दीजिए सर। आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? छोड़ दीजिए सर, आप लोग इन्हें सब भाग जाओ, भाग जाओ। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलो, अपना काम तो हो गया। अभी तक नहीं हुआ, अभी एक काम बाकी है। हाँ? बाकी है? कौन सा काम? जिसने हिम्मत की कल कोई और करेगा। ये केस क्लोज करना हो।